बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक संकल्प से तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अनोखा रखवाला। आइए सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य जानें। जीव जंतु मानव जाति के लिए सदैव से ही उपकारी हैं और वे हमेशा ही मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही बहुत वफादार होते हैं और मनुष्य की रक्षा भी करते हैं। इसीलिए मनुष्य जाति का भी यह फर्ज होना चाहिए कि वह भी उनको सुरक्षा प्रदान करे। अनोखा रखवाला। कुत्ता पालने पर विभिन्न लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और कुत्ते को पालने की क्या उपयोगिता है, आइए पढ़ें इस पाठ में। वह परेशान होकर चुपचाप छत पर खड़ा होकर दूर किसी पॉटरी मिल की धुआं उगलती काली चिमनियों की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। नीचे पत्नी रो रही थी, उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और आज फिर सत्याग्रह किए बैठी थी। कुत्ता बासी रूखी रोटियां चबाने के बाद पेड़ के नीचे पांव पसारे आंखें मूंदे निश्चिंत लेटा था। कभी कभी अपनी पूंछ से भिन भिनाती मक्खियां उड़ा लेता था, फिर टाट के चिथड़े की तरह निर्जीव सा पड़ा रहता। कल भी इसी तरह झगड़ा हुआ था कुत्ते को लेकर। वह सीढ़ियों से नीचे उतर भी ना पाया था कि पत्नी कपड़े धोने वाले मुग्धर को नचाती हुई कुत्ते पर पिल पड़ी थी। इस आक्रमण से कुत्ता घबरा उठा था। पहले तो उसे सूझा ही नहीं कि किधर भागे, फिर एकाएक वह पिछले दोनों पांवों के बीच पूंछ सिकोड़े कहें कहें करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल भागा था। इस दुर्घटना के पश्चात घंटा भी न बीता होगा कि उसने देखा बच्चे कुत्ते को मफलर से बांधकर फिर घर में घसीट लाए हैं और माँ की आंखें बचाकर सीढ़ियों के नीचे गलियारे में हलवा खिला रहे हैं। केसु उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठा है। इना जोर जोर से उसके कान खींच रही है, परंतु वह गर्दन झुकाए आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह की तरह पड़ा है। कुत्ते के प्रश्न पर पत्नी का पड़ोसियों से हजार बार झगड़ा हो चुका है। हर बार वह साफ साफ कह चुकी है कि यह कुत्ता उनका पालतू नहीं, सड़क का है। फिर वह वे चाहे तो इसे खूब मारे पीटे या गोली से उड़ा दे, परंतु इसके विपरीत पड़ोसी ने अब तक इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि कुत्ते को मुंह लगाने की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उनके बच्चे ही उसे रोटी देते हैं, सुबह शाम अपने हिस्से का दूध भी पिलाते हैं। अब पड़ोसियों को कैसे बताएं कि वे भी इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह इसे साइकिल के करियर पर बिठा कर वह स्वयं नौरोजी नगर तक छोड़ आया था, परंतु जब लौटा तो पत्नी ने बतलाया कि कुत्ता उसके घर पर पहुंचने से पहले ही जमीन सूंघता हुआ आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था। इसके बाद उसे बोरे में लपेट कर चाणक्यपुरी की ओर ले गया था। वहां से टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाता फिराता, परंतु इस धूल भुलैया को भी कुत्ता सहजता से पार कर आया था। रात को ज्यों ही उसकी आंखें मुदने लगी, त्यों ही बीच चौराहे पर खड़े होकर कुत्ते ने मुंह फाड़ कर भौंकना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मोहल्ले में फिर शोर गुल शुरू हो गया। आवेश में भर कर कुछ बलिष्ठ लोगों ने उसे डंडे से मार मार कर घसीटा, किंतु ढीठ कुत्ता केवल कुछ गज ही सरका। उसने और अधिक भौंक भौंक कर उन शेष लोगों को भी जगा दिया था जो अब तक आराम की नींद सो रहे थे। कमेटी वालों को वह बहुत बार लिख चुका है, किंतु जब भी पिंजड़े वाली गाड़ी आती है कुत्ता ना जाने कहां गायब हो जाता है। दो तीन बार रीते हाथ लौटने के बाद कमेटी वालों ने अब इधर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वह छत पर खड़ा नीचे सड़क पर चलते साइकिल सवारों को गिनने लगता है। तभी उसके मस्तिष्क में विचार कौंधता है। वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखता हुआ जल्दी जल्दी नीचे उतर जाता है। स्टोर रूम से रस्सी निकालकर उसने कुत्ते के गले में कस कर बांधी
और साइकिल के पीछे बैठाकर सरोजनी नगर वाली मेन रोड की ओर चला गया। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहेगा। घंटे भर बाद लौटा और शुभ सूचना दी कि कुत्ते को वह किशनगंज जाने वाली ट्रेन में बैठाया है। पत्नी ने आज की तरह यह समाचार सारे मोहल्ले में फैला दिया। जो कोई भी शाम को ऑफिस से घर लौटता, उसे सबसे पहला समाचार बच्चों से यही सुनने को मिलता कि इना के पापा कुत्ते को आज रेल में चढ़ा आए हैं। सबने चैन की सांस ली। चलो, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। हाँ, आज रात नीरवता रही। इतनी नीरवता कि वह भी अखरने लगी, कहीं एक चिंका तक ना हिला, सब चैन से सोए। बहुत दिनों बाद गहरी नींद, परंतु प्रातः पांव फटने से पूर्व सारा मोहल्ला सहसा फिर जाग उठा। बाथरूम में जाने के लिए अंधियारे में आंखें मलता हुआ वह जागा ही था कि लगा उसके पांव के नीचे की धरती धस गई है। आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे की सारी चीजें नदारद, टाइम पीस, ऊनी कपड़ों का बक्स, जेवर, कुछ भी ना था। देखते देखते बहुत से लोग एकत्र हो गए। पिछले 3-4 महीने में यह पहली चोरी थी। जब से कुत्ता आया था, एक भी चोरी नहीं हुई थी। उसने पत्नी को सारा दोष दिया कि यदि वह जिद ना करती तो वह कुत्ते को रेल पर छोड़ने नहीं जाता। शहरों में शोरगुल कहां नहीं होता। पत्नी मोहल्ले वालों पर बरसी। उसने कहा कि मोहल्ले वालों के तानों से परेशान होकर वह झगड़ा किया करती थी। क्या बुरा था, बच्चे खेल लेते थे, रूखी रोटी के बचे कुचे टुकड़े दे देते थे, किसी की गांठ से क्या जाता था। परंतु अब गहनों की याद आते ही वो रुआंसी हो गई। रपट दर्ज कराने वह पुलिस स्टेशन गया। वहां पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसी पर बरसा कि वह इतनी गहरी नींद क्यों सोया था। कमरे में आदमी के होते हुए इतना सामान उठाकर कोई ले जा सकता है? फिर ऐसी चोरियां आए दिन होती रहती हैं। इतना बड़ा शहर है, 40 लाख आबादी का। इस व्यर्थ की जिरह और कागजी कार्यवाही से वह बुरी तरह थक गया था। हारे हुए जुआरी की तरह वह दोपहर को घर लौटा तो देखा कि वही कुत्ता कीचड़ से सना हुआ न जाने कब से आंगन में बैठा है और टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रहा है। आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव का महत्व समझ आ गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पशु हमारे सच्चे मित्र हैं, और क्योंकि वह बेजुबान हैं, इसीलिए मनुष्य को उन पर क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। पशुओं के साथ बर्बरता से पेश नहीं आना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर भी प्राण हैं। हमें उनको अच्छे ढंग से पालना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जीव जंतुओं के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।